लाइक like एंड share दिस वीडियो ऑन YouTube. क्लास 7th इंग्लिश हेलो everyone. Today we वी विल स्टार्ट लेसन of ऑफ class क्लास पार्ट Not long after आफ्टर दैट उससे कुछ समय बाद ही द गो गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन बूढ़े अच्छे आदमी जो अच्छा बूढ़ा आदमी था उसको दोबारा से सपना आया एंड द स्पलिट ऑफ द डॉग स्पोकन स्पोक टू हिम और जो कुत्ते की आत्मा थी वो उसे बोली टेलिंग हिम बताते हुए हाउ द विक्ड पीपल हैड बर्न द मील मेड फ्रॉम द पाइन ट्री कैसे उस धूर्त निकमे मक्कार आदमी ने जो चक्की चीड़ के पेड़ से बनाई थी वो जला दी थी टेक द एसेज ऑफ द मील जो चक्की थी उसकी जो राख थी उसको लाओ स्प्रिकल स्प्रिंकल, स्प्रिंकल दैम ऑन द वीदर्ड ट्री और उनको जो मुरझाए हुए पेड़ हैं उन पे छिड़को एंड दे विल ब्लूम अगेन और वो दोबारा से खिल जाएंगे सेट द डॉग स्प्रिट कुत्ते की आत्मा ने कहा द ओल्ड मैन अवेक अवॉक बूढ़ा आदमी जाग गया एंड वेंट एड वंस टू हिज विक्ड नेबर्स हाउस और एकदम से जो निकम्मा मक्कार पड़ोसी था उसके घर गया वीहर ही फाउंड द मिजरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग एट द एज ऑफ देयर स्क्र फायर प्लेस और उसने वहाँ जा के पाया कि जो दुखी जो बूढ़ा जोड़ा है वो स्क्र फायर प्लेस मतलब चिम जो अंगीठी है चौक चौका जो स्क्यर अंगीठी है उसके पास बैठ के उसके किनारे के पास बैठे हुए हैं दुखी दोनों इन द मिडल ऑफ द फ्लोर फ्लोर जो फ्रेश है उसके बीच में स्मोकिंग एंड स्पाइनिंग और जो बूढ़ा है वो स्मोकिंग कर रहा था स्मोकिंग कर रहा था एंड और जो बुढ़िया थी वो सूत काट रही थी फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वारम देयर हैंड्स और समय समय पर वो अपने हाथ गर्म कर रहे थे एंड फिट और अपने पैर गर्म कर रहे थे विद द ब्लेज आग से नाउ वी पॉइंट्स मीनिंग वारम गर्म करना हैंड हाथ फिट पैर ब्लेज आग स्पिनिंग सूत काटना स्मोकिंग स्मोकिंग करना फायरप्लेस, अंगीठी स्क्वेयर चोकर चकोर मिजरेबल दुखी नेबर पड़ोसी फाउंड पाया एज किनारा मिडल मध्य में सीटिंग बैठे हुए स्प्रिंकल छिड़कना मील चक्की मुरझाना स्प्रिट आत्मा ब्रन जलना स्पोक पोला अगेन दोबारा स्प्रिट सिप, आत्मा ब्लेसम बिट्स ऑफ द मिल और उसमें जो आग थी वो किसकी थी वो चक्की के टुकड़ों की थी वाहिल बिहाइंड दैम और उनके पीछे ले ए पाइल ऑफ ब्रोकन पीसेज और वहाँ पे ढेर पड़ा हुआ था टूटे हुए टुकड़ों का द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एसेस और बूढ़े जो अच्छा जो दयालु जो बूढ़ा आदमी था उसने पहले विनम्रता से विनम्रता से राख की मांग की दो यद्यपि द कोवेटस कपल ट्रंड अप दियर नोजिस एट हिम और जो दुष्ट जो लालची जो जो कपल था दंपति था उसने क्या उन्होंने इसके बदले में उसने हम्बली उनसे राख मांगी और उसके बदले में जो लालची जो दंपति था उन्होंने ना के लिए नाक खिला दी एंड स्कोल्ड हिम और उसको डांटा इफ जैसे कि ही वरिथिप जैसे कि वो कोई चोर हो दे लेट हिम फिल और फिर उन्होंने उसको आज्ञा दे दी फिल हिज बास्केट अपनी टोकरी भरने की विद द एसिज राख से उन कमिंग होम और घर आने के बाद द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इन टू द गार्डन बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी को बाग में ले गया इट बींग विंटर ठंड ठंड होने के कारण दियर फेवरेट चेरी ट्री वाज बेयर और जो उनका जो मन पसंदीदा चेरी का जो पेड़ था वो बिल्कुल ठूट खड़ा था उसके बिल्कुल ठूट था ही स्प्रिंकल्ड ए पिंच ऑफ एसेजोन में इट तो बूढ़े ने क्या किया जो थोड़ी सी जो राख की मुट्ठी थी वो उस पर गिरा दी एंड लो और ओ इट्स सरप्राइज ब्लूम्स स्प्राव, इट स्प्राउटेड ब्लूम्स और वो खिल उठा अंकुरित हो गया अन इट बिकम ए क्लाउड ऑफ क्लाउड ऑफ क्लाउड ऑफ पिंक ब्लोम्स और उस पर गुलाबी फूलों के बादल बादल की तरह से फूल आ गए जैसे बादल से छा गए विच परफ्यूम्ड द एयर और जो हवा को सुगंधित कर रहे थे द न्यूज़ ऑफ दिस फील्ड द विलेज और ये जो खबर थी पूरे गांव में फैल गई एंड एवरी वन रेन आउट टू सी द वंडर और प्रत्येक इस आश्चर्य को देखने के लिए भागा आया द कोवेटस कपल आल्सो हर्ड द स्टोरी और लालची जो दंपति था उसने भी इस कहानी को सुना एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एसेज ऑफ द मेल और जो बची हुई राख की जो चक्की की राख थी उसको इकट्ठा कर लिया कैप देम टू मेक विदर ट्रीज ब्लूम जो मुरझाए हुए है पेड़ हैं उनको खिलाने के लिए मतलब उनको फलने फूलने के लिए इकट्ठी कर ली जो बची हुई राख थी द काइंड ओल्ड मैन दयालु बूढ़ा आदमी हियरिंग दैट ये सुनते ही दैट हिज लॉर्ड कि उसके जो महाराज हैं द डैमयू वाज टू पास लोंग द हाई रोड वे ऊंचे मार्ग से गुजर रहे हैं वी पिन पॉइंट्स मीनिंग हियरिंग सुनी विदर्ड मुरझा मुरझाया हुआ रिमेनिंग बची हुई ऐस राख गैदरिंग इकट्ठा करना कोवेटस ग्रे, ग्रेडी मतलब लालची हार्ड सुनी मील चक्की ब्लूम्स खिलना वंडर हैरान एवरीवन प्रतीक ब्लूम खिलना परफ्यूम्ड सुगंधित करना स्प्राउटेड अंकुर, अंकुरित होना ब्लूम्स खिलना स्प्रिंकल छिड़कना फेवरेट मनपसंद बास्केट टोकरी लैट आज्ञा देना गार्डन बगीचा चेरी कपेड एसेज राखें शोल डाटा हमली विनम्रता से बिहाइंड पीछे बिट्स टुकड़ा मील चक्की पाइल ढेर बदले में मुड़ा विले सेट आउट टू सी हिम सेट आउट मतलब चल पड़ा रात जो लॉर्ड थे जो महाराज थे उनको देखने के लिए चल पड़ा टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एसेज अपनी जो राग की टोकरी थी उसको ले के एज दर ट्रेन अप्रोस्ट मीनिंग में लिखवाया था यहाँ पे ट्रेन है कारवा के लिए यूज हुआ है जैसे ही कारवा समीप आया ही क्लाइम्ब अप टू एन ओल्ड विद चेरी ट्री तो वो जो मुरझाया हुआ चेरी का पेड़ था उस पर चढ़ गया देट स्टूड बाय द वे साइड जो रास्ते के एक तरफ था नाव इन द डेज़ ऑफ डैम्यू और जो डैम्यू था उसके दिनों में क्या होता था डैम्यू के दिनों में इट वॉज द कस्टम ये रवाज होती थी वैन दियर लोड पास्ट बाई जब महाराज वहाँ से गुजरे फॉर ऑल द लोयल पीपल टू सेट अप दियर हाई विंडोज़ वो जो सभी रसाई लोग थे वो अपनी खिड़कीों को बंद कर दे कर लेते थे दे इवन पेस्टेड डैम फास्ट विद स्लिप ऑफ पेपर और वो जल्दी से उनपे पेपर के टुकड़े थे वो भी चिपका लेते थे सो so एज ताकि ताकि वो नोट टू कमिट द इंटर इम्प्रीट ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप ताकि वो क्या अपने जो वहाँ से जो महाराज है उसको देखने की मतलब अशिष्टता से उसको देखने की कोशिश ना करें इम्पामी की ओर देखने की अशिष्टता न कर सकें ऑल द पीपल अलोंग द रोड वुड फॉल अपॉन दियर हैंड्स एंड नीज और सभी लोग जो रोड के साथ होते थे वो अपने घुटने और हाथों के बल नीचे गिर जाते थे एंड रिमेन प्रोस्ट्रेट अंटिल द प्रोसेसन पास्ट बाई और तब तक ज़मीन पे उल्टा लेटे रहते जब तक जुलूस वहाँ से गुजर नहीं जाता द ट्रेन जूनियर और जो कारवा था वो नज़दीक आया वन टाल एक लंबा कम्पिटेंट मैन मार्च अहेड सभ्य आदमी था वो आगे आगे चल रहा था मार्च कर रहा था क्राइंग आउट चिल्लाते हुए टू द पीपल लोगों के लिए बाय द वे जो रास्ते में जो लोग हैं सडनली द लीडर ऑफ द वेन कॉउट साइट ऑफ द एज मैन आप इन द ट्री और अचानक से जो वेन का लीडर था उसकी दृष्टि थी वो बूढ़े आदमी पे पड़ी जो पेड़ पे बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था उस पर पड़ी ही वॉज़ अबाउट टू कॉल आउट टू हिम इन एन एंग्री टन वो उसको गुस्से वाली धुन में गुस्से वाले आवाज़ में पुकारता बट सींग ही सच एंड ओल्ड फैलो लेकिन ये देखते हुए कि बूढ़ा ज़्यादा जा, बूढ़ा होने के कारण ही प्रिटेंडिंग नो टू नोटिस हिम तो उसने दिखावा कर दिया कि उसने उसको और ध्यान ही नहीं दिया एंड पास्ट हिम बाई और उसकी ओर से गुजर गया सो वहन द डैम्यूस पालकिन जूनियर डैमियो की जो पालकी थी वो नजदीक आई द ओल्ड मैन बूढ़े आदमी ने टेकिंग ए पिंच ऑफ एसज फ्रॉम हिज बास्केट तो अपनी टोकरी से एक एक चुटकी अराग के लिए स्कैटर्ड इट ओवर द ट्री और उसको पेड़ पे छिड़क दिया इन ए मोमेंट एक ही क्षण में इट ब्रस्ट इनटू ब्लूम वो पेड़ था वो खिल गया द डिलाइटेड डैम्यू ऑर्डर द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड और प्रसन्नित डैम्यू ने कारवा को आदेश दिया रुकने के लिए आदेश दिया एंड गोट आउट टू सी वंडर और अपनी पालकी से नीचे उत है, हैरान था मतलब उस हैरानी भरी बात को देखने के लिए नीचे उतरा कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम और बूढ़े आदमी को अपने पास बुलाया ही थैंकड हिम और उसका धन्यवाद किया एंड ऑर्डर्ड प्रजेंट्स ऑफ सिल्क रॉप्स स्पॉन्ज केक फैंस एंड अदर रिवाज टू बी गिवन और आदेश दिया उनको सिल्क के कपड़े देने का स्पोज केक का फैन देने का और अन्य इनाम देने के लिए आदेश दिया ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कास्टल और उसको अपने महल में आने का भी अपने महल में भी आमंत्रित किया सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफली होम टू शेयर हिज वाई विद हिज डियर ओल्ड वाइफ और इसलिए जो बूढ़ा आदमी था वो खुशी पूर्वक घर चला गया और अपनी खुशी अपनी प्रिय बूढ़ी पत्नी के साथ बाटी नाउ वी पिन पॉइंट्स मीनिंग जवा खुशी ग्लिफली प्रसन्नतापूर्वक डीरियर डियर प्रिय शेयर बांटना इन्वाइटेड आमंत्रित करना रिवार्ड्स इनाम स्पोनेस केक रोब्स वस्त्र सिल्क, सिल्क सिल्क रेशम के वस्त्र थैंक धन्यवाद किया वंडर हैरान डैम्यू डैम्यो डिलाइटेड परसनित स्टॉप्ड रुका ब्लूम्स खिलना स्केटर्ड बिखेरना बास्केट टोकरी मोमेंटसन पालकी पालकी पिंच चुटकी प्री दिखावा किया एंग्री गुस्सा सींग देखते हुए सडनली अचानक प्रोसेसन जुलूस नील घुटनों के बल झुकना क्राइंग चिल्लाते हुए अहेड आगे कंपिटेंट सभ्य ट्रेन कारवा प्रोसेसन जुलूस रिमेन रहना प्रोस्ट्रेट मतलब नीचे गिर के मुंह को नीचे करके लेटे रहना इम्प्रीटियंस असिस्टता कमिट करना पेस्टिड चिपके हुए लुकिंग डाउन नीचे देखना सेट ऑफ बंद कर देना कस्टम रिवाज लॉर्ड महाराज विंडोज़ खिड़की अप्रोस्ट समी पाना विदर्ड मुरझाना चेरी पे एंट्री सेट आउट चल पड़ना अप्रोस्ट समी पाना क्लाइम चढ़ना बास्केट टोकरी बट वहन द ग्रेडी नेबर्स हर्ड ऑफ इट लेकिन जब लालची पड़ोसी ने ये सुना ही टू सम ऑफ द मैजिक एसेज एंड वेंट आउट ऑन द हाई वे और उसने जो जादुई राख थी उसको लिया और जो हाईवे था उस पर चला गया देर ही वेटेड और वहाँ पर उसने तब तक इंतज़ार किया ये डैम्यू ट्रेन केम along जब तक जो राजा की पालकी थी वो आई Instead ऑफ नीलिंग डाउन घुटनों के बल झुकने की बजाय लाइक द क्राउड जो अन्य क्राउड झुक रही थी वैसे झुकने की बजाय ही क्लाइम डे वी दर्ड चेरी ट्री वो एक मुरझाये हुए चैरी के पेड़ पर पे चढ़ गया वहन द डैम्यू हिम सेल्फ वाज ऑलमोस्ट डायरेक्टली अंडर हिम और जब डैम्यू मतलब खुद पूरी तरह से पेड़ के नीचे आ गया था ही थ्रू ए हैंडफुल ऑफ एसेज ओवर द ट्री तो उसने एक चुटकी राख थी वो गिरा दी पेड़ से विच डिड नोट चेंज ए पार्टिकल और उसका कोई भी कुछ थोड़ा बहुत भी कोई चेंजमेंट नहीं हुआ द वाइंड ब्लू हवा चली द फाइन डस्ट इन द नोज़ एंड आइज़ ऑफ द डैम्यू एंड इज वाइफ और जो डस्ट था बिल्कुल फ़ाइन वो उनकी आँखों में और नाकों में डैम्यू और उसकी वाइफ की नाकों में गिर गया सच स्नीजिंग छींकते हुए एंड चोकिंग गला रेंदते हुए इट्स पोइड ऑल द पम्प्स एंड डाइग्निटी ऑफ द प्रोसेसन और उस जुलूस की सभी सान शोकत को ख़राब कर दिया द मैन हुज बिजनेस और जो आदमी जिसका काम था इट वॉज़ टू क्राई ये चिल्लाने का गेट डाउन ऑन योर नीज अपने घुटनों के बल झुक जाओ सीज द ओल्ड फूल बाय द कोलर उसने उस मूर्ख बूढ़े को जपत कर लिया कोलर से पकड़ के ड्रैगड हिम फ्रॉम द ट्री और पेड़ से घसीट के नीचे उतारा एंड टम्बल्ड हिम और उसको लुड़ा लुडगा दिया एंड हिज एस ब बास्केट इन टू द डिच बाय द रोड और जो रोड के साथ एक गड्ढा था उसमें उसकी जो राख की टोकरी थी उसको गिरा दिया देन बीटिंग हिम साउंडली और उसको पीटते हुए ही लेफ्ट हिम फॉर डेड उसको मरने के लिए छोड़ दिया दस द विक्ट ओल्ड मैन डाइड इन द मड और निकम्मा बूढ़ा आदमी कीचड़ में मर गया बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग डन लेकिन जो दयालु दोस्त था कुत्ते का वो आराम से डवेल्ट इन पीस एंड प्लेंटी और वो शांति से और खुशी से रहने लग गए बोथ ही एंड हिज वाइफ लाइव टू ए ग्रीन ओल्ड एज उस वो और उसकी पत्नी दोनों आराम से बिल्कुल अच्छे समृद्ध तरीके से बाकी के जो जीवन था वो जिया नाउ वी पिन पॉइंट्स मीनिंग वेक्ड निकम्मा धूर्त ड्वेल बसना मड कीचड़ प्लेंटी काफी पीस शांति ग्रीन हेल्दी और एक्टिव प्रोस्परस जो ज़िंदगी होती है समृद्ध चुस्तम स्टम्बल लुडखाना बीटिंग पीटते हुए बास्केट टोकरी डिच खड्डा डायरेक्ट घसीटा सीज जब्त करना बिजनेस काम पोम्स एंड सानो सोकत स्पोइल्ड खराब की स्नीजिंग छीखते हुए चोकिंग ग्लारो देते हुए ब्लू बहना चेंज बदलना हैंडफुल मुट्ठी भर थोड़ा सा क्राउड भीड़ क्लाइंब चढ़ना विदर्ड मुरझाना ऑलमोस्ट पूरी डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से हाईवे रोड ऊंचा नेबर पड़ोसी ग्रेडी लालची हार्ड शुना ट्रेन कारवा वेटिड इंतजार किया नीलिंग घुटनों के बल झुकते हुए अलोंग के साथ